डेली बोलचाल में प्रयोग होने वाले अंग्रेजी के जरूरी शब्द आज के इस वीडियो में सीखेंगे। दैट्स वेयर, वहीं तो, हियर आफ्टर, अब से, बीइंग प्लस वी3 किए जाने से, एट द रिस्क ऑफ, खतरा मोल लेकर, इन फेवर ऑफ, के पक्ष में, ऑन बिहाफ ऑफ, की तरफ से, लेस्ट शुड, ऐसा ना हो कि, इसी तरीके से कई सारे वर्ड्स आज के इस वीडियो में सीखेंगे जो सबसे ज्यादा डेली बोलचाल में प्रयोग होते हैं। हियर आफ्टर और इसका मतलब है अब से। जैसे ये सेंटेंस में बोलते हैं कि अब से मैं वहां नहीं जाऊंगा, अब से मैं उसे कॉल नहीं करूंगा, अब से मैं उसका मदद नहीं करूंगा, तो वहां पर हियर आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करेंगे सेंटेंस के शुरू में और उसके बाद ही आप सेंटेंस को शुरू करेंगे। अब से तुम्हें मैं पैसे नहीं दूंगा, तो सेंटेंस बनेगा हियर आफ्टर आई विल नॉट गिव यू मनी। अब से उसे खाना बनाना पड़ेगा, हियर आफ्टर सी विल हैव टू कुक फूड। मतलब अब से कुछ नया करना पड़ेगा, मतलब कि आप बात कर रहे हैं फ्यूचर की, कि आगे आपको कुछ करना पड़ेगा, अब से करना पड़ेगा, पहले जो नहीं किया वो अब करना पड़ेगा, तो वहां पर आप हियर आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं। अ फ्यू इसका मतलब है कुछ और थोड़े, दोनों का मतलब एक ही है। इसका प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट वर्ब आएगा, इसके बाद अ फ्यू प्लस नाउन आएगा और वो नाउन होगा प्लुरल, और अगर प्लुरल नाउन होगा तो वो नाउन भी काउंटेबल होगा, जिस नाउन को आप गिनती कर सकते हैं संख्या में 1 2 3 में। कुछ लोगों ने अपना काम पूरा किया, तो सेंटेंस सुनाएंगे अ फ्यू पीपल हैव डन देयर वर्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ फ्यू का मतलब है क्या, कुछ, और पीपल मतलब लोग, तो अ फ्यू पीपल कुछ लोगों ने। यहाँ पर पीपल क्या है, नाउन तो है लेकिन प्लुरल नाउन है और काउंटेबल नाउन भी है। मेरे पास कुछ किताबें हैं, आई हैव अ फ्यू बुक्स। अब ये बुक्स प्लुरल हैं, अब बुक को काउंट भी कर सकते हैं, एक बुक, दो बुक, तीन बुक, इस प्रकार से करके। ऑन बिहाफ ऑफ इसका मतलब है की तरफ से, इसका प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑन बिहाफ ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कृपया मेरी तरफ से उसे निमंत्रण दे दीजिए, मेरी तरफ से मतलब मेरी बिहाफ से, तो कैसे बनेगा, प्लीज इनवाइट हिम ऑन बिहाफ ऑफ मी। ऑन बिहाफ ऑफ मी मतलब मेरी तरफ से, इस प्रकार से बोल सकते हैं। प्लीज इनवाइट हिम ऑन माई बिहाफ, आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, मतलब आपके पास दो तरीके हैं बोलने के लिए, ऑन माई बिहाफ भी बोल सकते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ मी भी बोल सकते हैं। कृपया मेरी तरफ से उसे सॉरी कह दे, से आई मेड अ मिस्टेक दैट इज व्हाई आई वांट टू से सॉरी, तो सो मेरी तरफ से उसे सॉरी कह दे, से तो प्लीज से सॉरी टू हिम ऑन बिहाफ ऑफ मी, या फिर ऑन बिहाफ ऑफ मी, या फिर आप बोल सकते हैं ऑन माई बिहाफ, दोनों तरीके से, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ मी बोलेंगे या ऑन माई बिहाफ बोलेंगे, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। प्लीज से सॉरी टू हिम ऑन माई बिहाफ या ऑन बिहाफ ऑफ मी। एट द रिस्क ऑफ इसका मतलब है खतरा मोल लेकर, जान जोखिम में डालकर, इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद एट द रिस्क ऑफ होगा प्लस अदर वर्ड आएगा। जो भी आप काम करते हैं उसमें जान जोखिम में डालकर करते हैं, खतरा मोल लेकर के करते हैं, वहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं। उसने अपने जिंदगी का खतरा मोल लेकर मुझे बचाया, मतलब कि डिफिकल्ट सिचुएशन था और उसने मुझे बचाया, तो मतलब खतरा मोल लेकर बचाया। ही सेव्ड मी, उसने मुझे बचाया, एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ, अपने जिंदगी का खतरा मोल लेकर, अपने जिंदगी को जोखिम में डालकर, इस तरीके से इसका मीनिंग है। वो अपनी जिंदगी का खतरा मोल लेकर वहां जा रहा है, क्योंकि वहां पर बेड सिचुएशन नहीं, अच्छी सिचुएशन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, वहां पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो जा रहा है, दैट मीन्स कि खतरा मोल लेकर जा रहा है, तो सेंटेंस बोलेंगे ही इज गोइंग देयर एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ। तो इसी तरीके से आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं और प्रैक्टिस करेंगे, जितना सेंटेंस आप बनाएंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। इन फेवर ऑफ मतलब है के पक्ष में, जैसे कि कोई किसी के भी पक्ष में हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के पक्ष में हो सकते हैं, किसी जैसे कि अभी वोट चल रहा है तो कई सारे लोग अलग अलग पक्ष में चल रहे हैं, तो इन फेवर ऑफ मतलब के पक्ष में, जिसके पक्ष में आप बात करेंगे उसके उसका नाम लिख सकते हैं।
इसे उसके पक्ष में कुछ मत बोलो। तो सेंटेंस बोल सकते हैं डोंट स्पीक एनीथिंग, कुछ मत बोलो इन फेवर ऑफ हिम, उसके पक्ष में। इसी तरीके से बोलेंगे रमेश आकाश के पक्ष में बोल रहा था, रमेश वॉज स्पीकिंग इन फेवर ऑफ आकाश। यहाँ पर मैंने किसी का नाम नहीं लिया, व्यक्तिगत यहाँ पर नाम लिया है आकाश या हिम का। इसी तरीके से आप जिसका भी आप नाम लेना चाहते हैं वो आप हिम और आकाश के जगह पर बोल सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरीके से। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, मतलब मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसी और लोगों के पक्ष में नहीं हूँ। तो सेंटेंस बनाएंगे आई एम नॉट इन फेवर ऑफ हिम, आई एम नॉट फेवर ऑफ एनी वन, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप सेंटेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेंटेंस को बोल सकते हैं, अपने बातों को स्पष्ट कर सकते हैं। वेयर एज, और इसका मतलब है जबकि, जब भी आपको बोलना हो जबकि तो आप बोल सकते हैं वेयर एज, जो कि दो सेंटेंस के बीच में प्रयोग किया जाएगा। इससे क्लाउज आएगा, इसके बाद वेयर एज, फिर एक क्लाउज आएगा, दो क्लाउज के बीच में आएगा, दैट मीन्स की वेयर एज काम करेगा, एक कंजंक्शन का काम करेगा। जब भी एक कंजंक्शन का काम करे तो वेयर एज आप प्रयोग कर सकते हैं एक कंजंक्शन के रूप में जबकि के मीनिंग के लिए। मैं सो रहा था जबकि वो खाना पका रही थी। देखिए इसका प्रयोग तब करते हैं जो फर्स्ट क्लाउज में जो स्टेटमेंट रहेगा उसका अपोजिट अगले स्टेटमेंट रहेगा अगले क्लाउज में। जैसे आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, उसका उल्टा क्या हो गया कि वो काम कर रहा है। तो वेयर एज जबकि, सी वॉज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है। तो इसी तरीके से आप सेंटेंसेस कई सारे बोल सकते हैं। जैसे रवि अंग्रेजी सीखता है जबकि मैं ऑफिस में काम करता हूँ। अभी वो सीख रहा है अब मैं काम कर रहा हूँ, दैट मीन्स के अपोजिट है उसका। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि रवि लर्न्स इंग्लिश वेयर एज आई वर्क इन द ऑफिस। रवि लर्न्स इंग्लिश, रवि अंग्रेजी सीखता है, वेयर एज जबकि आई वर्क इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में काम करता हूँ। प्रिया खाना पका रही है जबकि तुम टीवी देख रहे हो। तो प्रिया इज कुकिंग फूड वेयर एज यू आर वॉचिंग टीवी। इसी तरीके से आप सेंटेंसेस सुनाते हैं वेयर एज की मदद से। दैट्स इट, इसका मतलब है बस और नहीं। जिससे कैसे बोल सकते हैं दैट्स इट, इसके बाद एक सेंटेंस लाएंगे। अब ये सेंटेंस कैसे प्रयोग करेंगे इसे देखिए। बस और नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, दैट मीन्स कि मैं आगे अब और इसे झेल नहीं सकता हूँ। तो सेंटेंस बोलेंगे दैट्स इट आई कैन नॉट टॉलरेट। यहाँ पर देखिए दैट्स इट का मतलब हो गया बस और नहीं, इसका मतलब है कि मैं अब आगे इससे नहीं कंटिन्यू कर सकता हूँ। बस और नहीं धन्यवाद, इसका प्रयोग आप उस समय बोल सकते हैं जब आप कोई स्पीच डिलीवर कर रहे हो, उसमें आप बोल सकते हैं बस और नहीं धन्यवाद, जो मैंने बोला बस इतना ही रहेगा, आगे नहीं। तो सेंटेंस बोलेंगे दैट्स इट थैंक यू। तो मतलब ये कि जब भी आप अपनी बातों को एंड करना चाह रहे हैं उसमें आप इससे बोल सकते हैं। दैट्सुम, दैट मीन्स उसी को तो, कैसे बोल सकते हैं दैट्सुम प्लस क्लाउज आएगा, उसी को तो मैं ढूंढ रहा था। दैट्सुम का मतलब है कि ये किसी ऑब्जेक्ट को फाइंड करेगा। दैट्सुम आई वॉज लुकिंग फॉर, अब देखिए उसी को तो, ढूंढने वाला तो यहाँ पर मैं है, ये ढूंढ किसको रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा है, किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा है, किसी वस्तु को ढूंढ रहा है। व्यक्ति को ढूंढ करेगा तब, व्यक्ति को ढूंढेगा तभी प्रयोग होगा होम, अन्यथा इसके लिए हमारे पास वर्ड है वाट है विच है। इस तरीके से उसी को तो मैं पैसे देना चाहता था, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू गिव हिम मनी। यहाँ पर देखिए दैट्स व्हाई आई वांटेड टू गिव मनी, यहाँ पर आप हिम को हटा सकते हैं क्योंकि दैट्स व्हाई से मैं तो यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट की बात कर ही रहा हूँ। इस तरीके से आप इसका प्रयोग करेंगे। उसी को तो रवि पीट रहा था, दैट्स व्हाई रवि वॉज बीटिंग। लाइक दिस यू कैन मेक मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मेनी सेंटेंसेस, इट्स अप टू यू बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न एंड बिकम। लास्ट डॉट शुड, इसका मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि, इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि लिस्ट आया हुआ है इसके साथ शुड क्यों आएगा। ऐसा कुछ रूल है कि आप जहां पर लिस्ट प्रयोग करते हैं वहां पर शुड आई गई। आप इस स्ट्रक्चर को याद रखिए तो सेंटेंस में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इससे पहले आएगा क्लाउज, इसके बाद आएगा लिस्ट। क्लाउज मतलब जिसमें एक सब्जेक्ट आएगा एक वर्ब आएगा, कम से कम दो आएगा। इसके बाद आएगा लिस्ट प्लस सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद सूड वी वन ऑब्जेक्ट ये आएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अच्छे से बाइक चलाओ कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो सेंटेंस बोलते हैं राइड अ बाइक वेल, अच्छे से बाइक चलाओ लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। अच्छे से पढ़ाई करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। इस तरीके से
तो स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ाई करो, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी हो जाए, तो वहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं। जल्दी आओ, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी छूट जाए, तो कैसे बोलेंगे, जल्दी जाओ, गो सून, लेस्ट यू शुड लॉस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन को लॉस कर दो, मतलब तुम गाड़ी तुम्हारा छूट जाए, इस तरीके से। Used to have, that means पास हुआ करता था, जैसे आप बोल सकते हैं कि उसके पास बहुत सारे पैसे हुआ करता था, तो आप बोल सकते हैं he used to have a lot of money, या फिर आप बोल सकते हैं lots of money, ऐसे भी बोल सकते हैं। राहुल के पास एक कार हुआ करता था, राहुल used to have a car, that's where, that means वही तो, यही तो, इसका प्रयोग करते हैं किसी प्लेस के लिए। मैं आपको एक ट्रिक देना चाहता हूँ, जहां पर भी आप where का प्रयोग करते हैं वहां पर समझिए यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लेस की ही बात हो रही है, दैट्स वेयर, इसके बाद कोई क्लाउज आएगा, वही तो रवि काम करता है, दैट्स वेयर रवि वर्क्स, यही तो हम लोग रोज आया करते थे, ये पास्ट की बातें कर रहे हैं, दैट्स वेयर, यही तो, इसी जगह तो, वी यूज्ड टू कम दिल्ली, हम लोग रोज आया करते थे। सपोज्ड टू बी, दैट मीन्स उम्मीद है, उम्मीद है, आशा है, संभावना है, इस तरीके से करके आप बोल सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस सपोज्ड टू बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए कैसे इसका मीनिंग होगा, उम्मीद है कि रिया खाना पका रही होगी, संभावना है, तो सेंटेंस बनेगा रिया इज सपोज्ड टू बी कुकिंग फूड, इस तरीके से बोलेंगे। उम्मीद है कि वे लोग ट्रेन से जा रहे होंगे, दे आर सपोज्ड टू बी गोइंग बाय ट्रेन, ऐसे बोलते हैं ना कि उम्मीद है कि ऐसा हो रहा होगा, उम्मीद है कि वो ऐसा कर रहा होगा, तो वहां पर आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। गेट यूज्ड टू, दैट मींस आदि हो रहा था, आदत हो रहा था, किसी भी चीजों का लत हो रहा था, बैड हैबिट हो या गुड हैबिट हो, किसी का भी। सब्जेक्ट वॉज ए वर्ड प्लस गेटिंग यूज्ड टू प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, वो शराब पीने का आदि हो रहा था, ही वॉज गेटिंग यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन, मेरा भाई कार चलाने का आदि हो रहा था, माई ब्रदर वॉज गेटिंग यूज टू ड्राइविंग अ कार, यहाँ पर देखिए गेटिंग यूज टू के बाद यहाँ पर जो वर्ब है वो वी फोर में आएगा। बींग प्लस विथ री, दैट मीन्स कोई काम किए जाने से, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, चोर अरेस्ट होने से डरता है, अरेस्ट किए जाने से डरता है, तो द थीप इज स्केयर्ड ऑफ बींग अरेस्टेड, यहाँ पर बींग के बाद यहाँ पर देखिए अरेस्टेड विथ री है, मैं अपराधी होने से डरता हूँ, I am afraid of being criminal. इस तरीके से आप sentence बना सकते हैं। So guys, thanks for watching. That's all for today.